दोस्तों श्री निवास रामानुजम टैलेंट सर्च मैथमेटिक्स का जो टेस्ट एग्जाम आप लोग दिए थे उसका रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों कैसे चेक करना है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको गूगल पे लिखना है BCST, उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपको BCST आएगा। तो उसके बाद ये वाला लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कैसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बता देते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे दो स्टेप है, या स्टेट टॉपर जो किए हैं उनका लिस्ट है और जिला स्तर में जो टॉप किए हैं उनका लिस्ट है। तो जिला स्तर में जो टॉप किया है उनका क्लास वाइज क्लास यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट टॉपर, ठीक है, यहाँ पर स्टेट टॉपर जो कि इसमें दिया गया है क्लास 6 से लेकर आपको 12 तक जो भी स्टूडेंट इसमें टॉप किए हैं स्टेट लेवल का, उसका इसमें लिस्ट दिया गया है, ठीक है। 6 क्लास से 12 क्लास तक इसमें आपको टॉपर मिल जाएगा, स्टेट टॉपर, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको रैंक दिया जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक रैंक टॉपर रिजल्ट इन क्लास 6 to 12, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आपको टॉपर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्लास 12 का है, इसमें भी देख सकते हैं कि रिजल्ट टॉपर क्लास 11 का है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर 10 का है। यहाँ पर सब एक क्लास बाई क्लास देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस क्लास में, मान लीजिए आप जिस क्लास में पढ़ते हो 7 में पढ़ते हो, तो 7 क्लास का इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दें, यहाँ पे अगर 12 क्लास आप 12 क्लास में हो तो 12 क्लास पर आपको लिंक वाले पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। 12th क्लास लिंक पर आपको डाउनलोड कर, वहाँ पर आपको PDF डाउनलोड तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको नाम सर्च करना है या आपको इसमें रिजल्ट चेक करना है कि मेरा नाम आया है कि नहीं। तो दोस्तों कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए, आपको तो PDF लोडिंग हो चुका है। दोस्तों क्या करना है कि आपको ऊपर आना है, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मार्कर एक लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च जो कि आपको यहाँ पे यहाँ ये लोकेशन पर आपका PDF जब लोडिंग कीजिएगा तो आपको ये लोकेशन आएगा, ठीक है। ये लोकेशन आपका आएगा तो ये वाला लोकेशन को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको जो भी नाम है, एग्जांपल में आपको बता दिया राजकुमार नाम आपका है, तो राजकुमार, ठीक है। तो आप देखिएगा कि राजकुमार से लेकर 3 से लेकर 19 तक इसमें विद्यार्थी है, मतलब 19 आदमी का इसमें नाम है, 19 विद्यार्थी का नाम है इसमें। तो देख सकते हैं अपना इसमें आपका रोल नंबर ये सब मिला सकते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर और नाम इसमें देख सकते हैं। तो आपको मान लीजिए ये नहीं है तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आप भगा सकते हैं, ठीक है। आगे भी नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला बैक मतलब अपर नीचे है, यानी कि आगे पीछे वाला है, इसको लोकेशन यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ाना तो इस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमें आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया जाए, यहाँ पे लिखना है राजकुमार, ठीक है। एग्जांपल में मैं आपको बता देते राजकुमार, ठीक है। यहाँ पर राजकुमार लिख दिया तो मान लीजिए यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं। यहाँ पे आपको जिला भी शो करेगा और अपना और क्या बोलते हैं अपना रोल नंबर जो है वहाँ पर भी शो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको मान लीजिए रोल नंबर आपको रोल नंबर याद है, आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा रोल नंबर आपको सही है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर आप जो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको बता दें कि रोल नंबर आपको एग्जाम्पल में दे देते हैं। चलिए दोस्तों ये रोल नंबर है, आपको जो मिला होगा रोल नंबर वहाँ पे आप डाल सकते हैं रोल नंबर। एग्जांपल में कुछ बता देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको रोल नंबर यहाँ देखने को मिल जा रहा है। चलो बता देते हैं एग्जांपल में 5 पे, देखिए 5 पे क्लिक किया तो यहाँ पर रोल नंबर बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा लिख देना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप सर्च में आपको उतना खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि आप जब PDF लोडिंग कर रहे हैं तो आपको कितना आदमी का क्या होता है कि आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाकर डाला था PDF, इसी के मार्क्स क्या बोलते हैं मतलब कि डाउनलोड कैसे करें मार्कशीट, तो उसमें PDF था, तो उसमें बहुत सारे कंज्यूमर नहीं देख पाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि इसी पर आपको नंबर आपको डालने पर आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या करना है कि आपको गूगल ड्राइव में जाना है, गूगल ड्राइव से आपको PDF को ओपन करना है, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को जुड़ने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।